हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रिकल वर्किंग। गाइस, आज हम जानेंगे वोल्टेज, एम्पियर, वाट्स। हम इनको इन नाम से क्यों जानते हैं? इलेक्ट्रिसिटी में हमें इन नामों का इस्तेमाल क्यों करना पड़ता है? यानी वोल्ट्स, एम्पियर, वाट्स क्या है, इनके बारे में हम आज डिटेल से आपको एक्सप्लेन करूँगा कि ये क्या है। तो चलते हैं वीडियो पे गाइस। तो हम पहले एक बॉक्स ओपन कर लेते हैं जो आपको समझाएंगे, एक्सप्लेन करेंगे वोल्टेज, वाट्स, एम्पियर क्या है। तो गाइस, वाट्स के बारे में हम पहले जानेंगे। वाट्स, तो वाट्स, एम्पियर ये हम क्यों बोलते हैं, पहले ये हम जानेंगे। तो वाट्स, एम्पियर हम बोलते हैं एक यूनिट को, यानी हमारा जो वाट्स, एम्पियर एंड वोल्ट्स, ये हमारा एक यूनिट है। जैसे इसको हम एक इकाई के नाम से भी जानते हैं, हिंदी में आपको इकाई मिल जाएगा एंड इंग्लिश में आपको यूनिट मिल जाएगा। तो हम इकाई, यूनिट क्यों बोलते हैं इसको? जैसे हम कोई भी पेन या किसी भी और चीज को हम अगर इसको नापेंगे तो इसको हम किलोग्राम के हिसाब से नापेंगे। जैसे हम कोई केजी के हिसाब से नापेंगे कि कितने किलोग्राम का है, वैसे ही हमारी जो इलेक्ट्रिसिटी होती है उसको नापने के लिए हमें उपयोग करते हैं वाट्स, एम्पियर एंड वोल्ट्स का। जो हमारी इलेक्ट्रिसिटी होती है उसको हम नापने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं वाट्स, एम्पियर, वोल्ट्स। तो आप समझ गए होंगे कि हम वाट्स, वोल्ट्स, एम्पियर क्यों बोलते हैं, किसको बोलते हैं। तो हम गाइस पहले जानेंगे वाट्स क्या होता है, इसको हम ऐसा वाट्स क्यों बोलते हैं। तो गाइस, वाट्स एक पावर है, वाट्स एक पावर है। जिसे हम मान लेते हैं, कोई एक बल्ब ले लेते हैं, यहाँ पर बल्ब ले लेते हैं। इसमें आपको लिखा हुआ मिलेगा कभी 100 वाट, 200 वाट या 300 वाट, आपको यहाँ पर दिखाई देगा 100 या 200 या 50 वाट, ऐसे आपको लिखा हुआ मिलेगा। अब जैसे हम मान लेते हैं एक मोटर ले लेते हैं, 1 किलोवाट का एक मोटर ले लेते हैं, तो इसमें लिखा हुआ होता है 1 HP या 2 HP या 5 या 1/2 HP, यानी 1/2 HP यानी 500 किलोवाट, 500 किलोवाट, 1000 किलोवाट, तो ये क्या होता है, 1000 वाट को बोलते हैं 1 किलोवाट एंड 500 वाट को बोलते हैं हम 1/2 किलोवाट, यानी 1/2 KG। ओके गाइस, तो हम ये कितने पावर का है, जैसे वाट्स है, ये लाइट एंड मोटर जो है ये हमें कितना पावर यानी खाती है, कितना ताकत खाती है या कितने पावर का है वाट्स, हमें ये क्यूजेस देता है कि ये कितने पावर का है। ओके गाइस, तो गाइस इलेक्ट्रिसिटी दो प्रकार की होती है, एक डीसी इलेक्ट्रिसिटी होती है, एक एसी इलेक्ट्रिसिटी होती है। तो हम इस वक्त बात कर रहे हैं एक एसी इलेक्ट्रिसिटी की, तो वाट्स होता है एसी इलेक्ट्रिसिटी। ओके गाइस, तो गाइस हम इसको नापने के लिए, जिसे हम कोई एम्पियर को नापेंगे, यानी हमें वाट्स को नापने के लिए हम क्या करते हैं, जो वोल्ट्स है एंड एम्पियर, हम वोल्ट्स को वी से शो करते हैं एंड एम्पियर को हम आई से शो करते हैं। तो अगर हम वोल्टेज एंड एम्पियर को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा निकल जाएगा, लेकिन ये आपका डीसी निकलेगा, जो आपका डीसी इलेक्ट्रिसिटी है, इसका वाट जो डीसी इलेक्ट्रिसिटी है वो निकलेगी। एंड अगर एसी इलेक्ट्रिसिटी निकालनी है, वाट्स निकालना, तो आप क्या यूज करते हैं, वोल्टेज मल्टीप्लाई एम्पियर मल्टीप्लाई पावर फैक्टर। तो ये गाइस एक अलग प्रोसेस होता है जिसको हमें फॉलो करना पड़ता है पावर फैक्टर को लेके, इसलिए हम इसको हम छोड़ देते हैं, अगली वीडियो में जानेंगे। तो हम फिलहाल इतना जानते हैं कि वाट्स को होता क्या है। गाइस, वाट्स एक पावर है, एक ताकत, यानी हमारे मोटर, यानी हम में कितनी क्षमता होती है वो हमें शो करता है वाट्स। ओके गाइस, तो हम जिसको बोलते हैं पावर। ओके गाइस, तो अब हम जानेंगे वोल्ट्स के बारे में। गाइस, वोल्ट्स क्या होता है, तो वोल्ट्स क्या होता है हम इसके बारे में डिटेल से जान लेते हैं। तो वोल्ट्स, जैसे हम मान लेते हैं कोई एक सॉकेट है, यहाँ पर आपको यहाँ पर एक सॉकेट नजर आ रही है जिसमें एक स्विच लगी हुई है एंड एक सॉकेट है। इसमें हम मान लेते हैं हम 220 वोल्ट आ रहा है, यानी 220 वोल्ट यहाँ पर शो कर रहा है हमें, हमारे मीटर में 220 वोल्ट शो कर रहा है। तो वोल्टेज को हम बोलते हैं, वोल्टेज भी बोलते हैं, वोल्टेज को हम फोर्स भी बोलते हैं। वोल्टेज को हम क्या बोलते हैं, फोर्स। एंड इसको दूसरे नाम से भी बोलते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्यों बोलते हैं गाइस, जिससे हमारे जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये हमारा मान लेते हैं जो हमारा इलेक्ट्रॉन
हम क्यों बोलते हैं इलेक्ट्रॉन? इलेक्ट्रॉन को हम करंट को बोलते हैं इलेक्ट्रॉन, यानी एम्पियर हमारा है इलेक्ट्रॉन। एंड जो वोल्टेज है हमारा, ये हमें हमारा वोल्टेज है, यहाँ ये हमारा इलेक्ट्रॉन है। तो गाइस वोल्टेज काम करता है और इलेक्ट्रॉन को पुश करने का, जिसे कि यहाँ पर इस पिक्चर में आपको दिख रहा होगा, ये हमारा मान लेते हैं इलेक्ट्रॉन है एंड ये हमारा वोल्टेज जो हमें पुश कर रहा है हमारे इलेक्ट्रॉन को। तो क्या करता है वोल्टेज हमारे इलेक्ट्रॉन को पुश करता है। तो हम एक मिसाल के थ्रू जान लेते हैं, ये हमारा एक इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन सोर्स जो हमारा बह रहा है यहाँ पर, यानी हमारा इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है। तो ये फ्लो किस वजह से हो रहा है? क्योंकि हमारा वोल्टेज इसको पुश कर रहा है, इसलिए फ्लो हो रहा है। इलेक्ट्रॉन होता है अरबों खरबों में इलेक्ट्रॉन होता है, जो कि हमारे इलेक्ट्रॉन ऑटोमेटिकली नहीं बहता है, यानी ऑटोमेटिकली नहीं दौड़ता है, इसको हमारा वोल्टेज, यानी ये हमारा वोल्टेज इसको पुश करता है, तब हमारा इलेक्ट्रॉन आगे बढ़ता है। तो हम एक मिसाल के थ्रू पे जान लेते हैं कि इलेक्ट्रॉन होता क्या है। तो इस इलेक्ट्रॉन, जिसे हम मान लेते हैं कोई एक टैंक है, वाटर का टैंक है, ये आपकी छत पे लगा हुआ है, एंड एक हम मोटर ले लेते हैं, ये हमारा मोटर है एंड ये हमारा एक टैंक है। हमारा ऊपर इलेक्ट्रॉन पहुंचाना है, यानी हमारा जो इलेक्ट्रॉन है वो ऊपर पहुंचाना है, यानी हम मान लेते हैं एक वाटर जो है वो हमारा इलेक्ट्रॉन है। तो हम इस पाइप के जरिए से हम वाटर को ऊपर पहुंचाते हैं, तो वाटर नीचे से ऊपर तो वैसे तो नहीं चला जाएगा, क्योंकि हमारा फोर्स, यानी हमारा जो मोटर है उसको वाटर को फोर्स करेगा, तब हमारा पानी ऊपर की तरफ जाएगा। तो वैसे ही मान लेते हैं ये हमारा मोटर वोल्टेज है, मिसाल के थ्रू मान लेते हैं कि ये हमारा मोटर वोल्टेज है एंड ये जो हमारा वाटर, ये हमारा इलेक्ट्रॉन है जो ऊपर की तरफ जा रहा है। ओके गाइस, जैसे जो आपकी दो लाइट लगी, एक लाइट लगी हुई होती है, उसमें एक न्यूट्रल होता है, एक फेस होता है। तो फेस क्या होता है? इलेक्ट्रॉन होता है। जो हमारा इलेक्ट्रॉन यहाँ लाइट में आया एंड न्यूट्रल के थ्रू जमीन के अंदर चला जाता है इलेक्ट्रॉन, यानी जो हमारा इलेक्ट्रॉन बहता है यह हमारा पहले लाइट में जाएगा, एलिमेंट में होते हुए चला जाएगा हमारा जमीन के अंदर, यानी न्यूट्रल तो हमारा जमीन से ही ज्वाइंट होता है, तो वहाँ पर हमारा चला जाता है। तो जो हमारा इलेक्ट्रॉन होता है वो बेसिकली यही जान लेते हैं कि हमारा वोल्टेज हमारे इलेक्ट्रॉन को, यानी हमारे एम्पियर को धक्का देता है, यानी पुश करता है, तो हमारा इलेक्ट्रॉन चलता है। तो गाइस जिसे जो इलेक्ट्रॉन होता है इसकी फ्रीक्वेंसी 220 वोल्टेज हमें फ्रीक्वेंसी होती है, 50 फ्रीक्वेंसी होती है। तो इसमें जैसे एक सेकंड में 50, यानी ये जो इलेक्ट्रॉन है एक सेकंड में 50 बार आपको फ्लो करता है, यानी कोई एक लाइट लगी हुई है तो वो एक सेकंड में 50 बार लाइट ऑन होती है, ऑफ होती है, इसलिए आपको पता नहीं चलता है कि ये लाइट ऑन हो रहा है या ऑफ हो रहा है। लेकिन इसका प्रोसेस कुछ इसी प्रकार होता है, जो आपकी लाइट होती है वो 50 बार एक सेकंड में 50 बार ऑन ऑफ होती है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन अरबों खरबों में होते हैं, कड़ कड़। ओके गाइस, तो आई होप गाइस ये वोल्टेज के बारे में आपको पता चल गया होगा। अगर नहीं पता चला है तो हमें कमेंट करना, फिर से आपको एक्सप्लेन कर देंगे अच्छे से। उसके बाद में हम एम्पियर के बारे में जानेंगे। तो एम्पियर क्या होता है? एम्पियर होता है एक करंट। ऐसे हम मान लेते हैं कोई एक कलम है, कलम के थ्रू हम जान लेते हैं, इस पेन को हम एक छोटे छोटे टुकड़े कर देंगे। अगर एक छोटे छोटे टुकड़े करते हैं यहाँ पर, तो इसमें से अगर एक छोटा सा टुकड़ा बच जाता है जिसको हम तोड़ नहीं सकते, उसको हम क्या बोलते हैं? आइटम। एक हम छोटे से टुकड़े को हम उसको नहीं तोड़ सकते, उसको हम बोलते हैं आइटम। इसलिए इसी प्रकार जो हमारा आइटम होता है इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। ये क्या होता है? ये एक होता है इलेक्ट्रॉन, ये जो आपका आइटम है जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन, ये हमारा होता है एक इलेक्ट्रॉन, ये आइटम की तरह होता है, यानी अरबों खरबों में, जिसको पुश करता है हमारा वोल्टेज, तभी हमारी जो सप्लाई इलेक्ट्रिसिटी होती है वो चलती है। तो आई होप गाइज आपको समझ में आया होगा कि ये इसका प्रोसेस क्या होता है। ओके गाइज, उसके बाद में इसको हम एम्पियर में इसको हम बोलते हैं फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी हमारे इलेक्ट्रॉन को फ्लो कराता है वोल्टेज। ओके गाइज, तो आई होप गाइज ये पसंद आया होगा आपको। उसके बाद में हम जानेंगे वाट्स, एम्पियर एंड वोल्टेज को किसने इजाद किया है, यानी इस यूनिट को किसने इजाद किया है, किसने खोजा है। तो वाट्स किस किस नाम पे पड़ा?
जेम्स वाट ने इसका इजाद किया, जेम्स वाट ने, तो इनके नाम से ही पड़ गया हमारा वाट्स। एंड जो वोल्टेज है तो एलेसेंड्रो वोल्टा के नाम से पड़ गया हमारा वोल्टेज, क्योंकि इन्होंने वोल्टेज का खोज किया था, क्योंकि इन्हें इनके नाम से ही हमारा वोल्टेज पड़ गया। एंड उसके बाद में आंद्रे मेरी एम्पियर, तो इनके नाम से पड़ गया हमारा एम्पियर्स, क्योंकि एम्पियर्स का खोज इन्होंने किया था। गाइस एम्पियर को हम करंट बोलते हैं, एम्पियर भी बोलते हैं, लेकिन करंट भी बोलते हैं। ओके गाइस तो आई होप गाइस आपको वीडियो पसंद आई होगी। गाइस वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो एंड कमेंट करना बिल्कुल ना भूलना, क्योंकि कमेंट करते हो तभी हमें कुछ हमें प्लेसमेंट मिलती है कि हाँ काम अच्छा कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।